बूंदी कॉलेज में 30 जनवरी को गांधी प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को नहीं बुलाए जाने पर एतराज जताकर नगर परिषद अध्यक्ष संतोष राठौर ने आक्रोश जाहिर किया है। कहा गया कि प्राचार्य ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। आज इसी मामले पर बूंदी के गांधी चौक में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद प्रतिमा के समक्ष ज्ञापन भेंट किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अहंकारी हो गई, अफसर कठपुतली बन गए, प्रशासन का कांग्रेसीकरण किया जा रहा है। इसलिए ज्ञापन में प्रदेश सरकार को अफसरों को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष संतोष राठौर, भाजपा के नेता नरेंद्र सिंह तोमर, गंगा प्रसाद यादव सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी मामले पर कॉलेज प्राचार्य सीएस श्रीवास्तव का कहना है कि मानधाता विधायक कॉलेज की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, इस कारण उन्हें आमंत्रित किया गया था। प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया गया है। बूंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। आपको शहीद दिवस पर सादर नमन करते हुए यह ज्ञापन प्रस्तुत है। 30 जनवरी को शासकीय महाविद्यालय बूंदी के प्राचार्य द्वारा आयोजित महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम क्षेत्र विधायक कारण पटेल द्वारा कराए जाने का विरोध भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था, क्योंकि सामान्य प्रोटोकॉल के तहत इस शासकीय कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद श्री नंद कुमार सिंह चौहान को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही कमलनाथ की सरकार अहंकारी रवैया अपनाकर प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, जिस कारण प्रशासन तंत्र के अधिकारी और कर्मचारी कांग्रेस सरकार की कठपुतली बनकर और लोकतांत्रिक तरीकों से काम कर रहे हैं। चूंकि 30 जनवरी को प्रस्तावित महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित है, इसलिए भाजपा द्वारा महात्मा गांधी की गरिमा का ध्यान रखते हुए प्रस्तावित विरोध को निरस्त कर दिया गया है एवं यह निर्णय लिया है कि प्रतिमा अनावरण के पश्चात महात्मा गांधी की प्रतिमा को इस आशय का ज्ञापन प्रस्तुत करे कि कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को एवं प्रशासन को सद्बुद्धि दे, शासकीय कार्यक्रमों का कांग्रेसीकरण होने से बचाए, इसी तारतम्य में यह ज्ञापन सादर प्रस्तुत है। इस पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार एवं प्रशासन तंत्र को चेतावनी दी जाती है कि यदि शासकीय कार्यक्रमों का इसी तरह से कांग्रेसीकरण करने की ऐसी कोई चेष्टा बंद नहीं की गई, तो भाजपा लोकतांत्रिक तरीकों से इसका पुरजोर विरोध करते हुए व्यापक आंदोलन खड़ा करेगी। भाजपा कार्यकर्ता एक स्वर एवं एकमत से ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। अनुरोध है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार एवं प्रशासन को सद्बुद्धि प्राप्त होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।